देश के प्रधानमंत्री जी के बीच में और मुख्यमंत्रियों के बीच में हाई लेवल मीटिंग हुई। हाई लेवल मीटिंग में देश में कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के बारे में बात की, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोच समझकर, जानकर प्रधानमंत्री जी के साथ जो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी उस मीटिंग को लाइव कर दिया। बहुत से टीवी चैनलों पर प्रसारण चल रहा था। प्रधानमंत्री जी को पता चला, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग के बीच में ही नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मीटिंग के अंदर एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर इन मीटिंगों को का लाइव प्रसारण कर रहे हैं हर टीवी चैनल पर। मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता चला कि वो पकड़े गए हैं, उनका नाम तो नहीं लिया पर पकड़े गए हैं, इसीलिए उन्होंने लाइव पर प्रधानमंत्री जी से माफी मांगी। उन्होंने कहा उनसे गलती हो गई है, जिसके लिए वो माफी मांगते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा ये गलती वो दोहराएंगे नहीं। गलती थी ये जानकर किया गया था। और फिर आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री के बचाव में ये कहा इसमें गलत क्या है, सार्वजनिक होना ही चाहिए। ये तो हम भी तो कह रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और LG के बीच जो भी मीटिंगें हो रही हैं उसे सार्वजनिक करिए। हम ही तो कह रहे थे, विपक्षी तो कह रहा था कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक बुलाइए और लोगों को पता चलने दीजिए कि क्या मीटिंगें हो रही हैं, क्या फैसला हो रहा है, क्योंकि दिल्ली और देश तो ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहा है। शायद अरविंद केजरीवाल जी को ये लग रहा था कि उन पर विश्वास लोगों का कम हो रहा है, इसलिए विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं मैं मीटिंग में जो है आपकी बात रख रहा हूँ, विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन हुआ। उन्होंने कहा मजदूरों का पलायन नहीं होगा क्योंकि उन्हें आर्थिक मदद और राशन की मदद दी जाएगी, वो नहीं दिया। आज हाईकोर्ट का आज आदेश आया है कि हर मजदूर के खाते में पैसे डालिए, हर के घर राशन पहुंचाइए, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तब उन्होंने किया। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के लोग अगर सुन रहे हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को कहूंगी, भाग्यशाली हैं आप कि आपके पास भूपेश बघेल जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। बताती हूँ क्या क्या, 7 अप्रैल 2021 को उन्होंने मीटिंग बुलाई, जितने भी ऑक्सीजन उत्पादन निर्माता थे उन्हें बुलाया, बोला कि ऑक्सीजन का उत्पादन हमें बढ़ाना होगा, क्या करना है। उन्होंने कहा आप लाइसेंस दीजिए, हम अपनी इंडस्ट्री को, प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने कहा कांग्रेस ये लीजिए, सख्त जरूरत है, कोरोना महामारी ऑक्सीजन सख्त जरूरत है। कांग्रेस की सरकार ने 7 अप्रैल को फैसला कर दिया कि जो हमसे लाइसेंस मांगेगा प्लांट के लिए हम उसे लाइसेंस देंगे। 7 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में मात्र 8, भाजपा की 15 साल सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, कितने ऑक्सीजन प्लांट थे, 8। 7 अप्रैल 2021 तक 8 प्लांट थे। भूपेश बघेल जी ने लाइसेंस देने शुरू किए और आज की हकीकत है कि आज छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल से आज 23 अप्रैल है, इतने दिनों में 27 ऑक्सीजन के प्लांट बनकर तैयार ही नहीं, ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं, और जिसमें से 2 लिक्विड ऑक्सीजन पूरी तरह मेडिकल के लिए उत्पादन कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की जरूरत कितनी है, छत्तीसगढ़ की अपनी जरूरत, अपना जो खपत है वो है 160 मैट्रिक टन, उत्पादन कितना कर रहे हैं 400 मैट्रिक टन। और उन्होंने आज प्रधानमंत्री जी को मीटिंग में कहा है ये राष्ट्रीय आपदा है, हम सबको एक होना, एक दूसरे की मदद करनी है। उन्होंने कहा हम 400 मैट्रिक टन अपने 27 प्लांट में ऑक्सीजन बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कहा धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों का कि आपने एक ऐसी सरकार चुनी जो आपके साथ देश की और दिल्ली तक की मदद कर रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब 160 मैट्रिक टन छत्तीसगढ़ रखेगा अपने लोगों के लिए और 400 मैट्रिक टन में से जितना बचेगा वो देश के लिए उन्होंने खोल दिया है। अब मैं आती हूँ उड़ीसा पर। उड़ीसा के लोगों का कल भी धन्यवाद किया, अब भी करूंगी। आज एक टीवी डिबेट में उड़ीसा के प्रवक्ता को बुलाया गया था, उन्होंने कहा उड़ीसा के अंदर भी ऑक्सीजन उत्पादन जो है वो हमारी खपत से बहुत ज्यादा है, हम तैयार हैं। धन्यवाद करते उड़ीसा ने और बंगाल ने मिलकर 100 टन ऑक्सीजन जो है वो देने का जो है प्रस्ताव रखा है कि हम ऑक्सीजन देने को तैयार हैं। इनकी उड़ीसा ने यह कहा है कि हमारी हॉस्पिटल में 20% ऑक्यूपेंसी है, हमारी जो 20% ही बेड भरे हैं 80 खाली है। अब एक सुझाव आप और हम मिलकर केंद्र की सरकार को दे सकते हैं। आपको याद होगा, मेरे को यही याद आ रहा उदाहरण निर्भया को जब अच्छे इलाज की जरूरत थी तो एयरलिफ्ट करके सिंगापुर बाहर विदेश में उसको इलाज के लिए भेजा गया था। अलग बात है वो बेटी नहीं बच पाई पर कोशिश हुई। आज दिल्ली के अंदर या जहां पर भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर ICU बेड्स की कमी है तो क्या हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके, स्पेशल जहाज से एयरलिफ्ट करके 1-2 घंटे के अंदर
उड़ीसा जहाँ पर 80% बेड आईसीयू वेंटिलेटर खाली है, क्या उन्हें उनकी जान नहीं बचा जाई जा सकती? अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा सुझाव है, अगर उड़ीसा और दूसरे राज्यों के पास, छत्तीसगढ़ के पास ऑक्सीजन है, उड़ीसा के पास ऑक्सीजन है, बंगाल के पास ऑक्सीजन है अपनी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, बेड्स हैं, आईसीयू हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन, तो आपको ये करना है। ये एक सुझाव हम और आप सुझाव दे सकते हैं, आप और हम एयरलिफ्ट नहीं करा सकते। अब आती है दिल्ली की बात। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, बहुत पढ़ा लिखा, IIT, इनकम टैक्स, युवा, लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीता हुआ, व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे। हाईकोर्ट ने आज उनसे पूछा, जब छत्तीसगढ़ 7 अप्रैल से 23 अप्रैल में 27 प्लांट लगा सकता है, चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल में एक दिन में ही प्लांट लगा लिया, तो अरविंद केजरीवाल जी 6 साल पूरे किए, 7वें साल में हैं आप, एक भी ऑक्सीजन का प्लांट आप दिल्ली में क्यों नहीं लगा पाए? आपके राज्यों में क्या हालात हैं? मैं अपनी बात को रखूंगी, दिल्ली बैठी हूँ इसलिए दिल्ली के हालात देख रही हूँ, मुझे मालूम है। 22-20 हज़ार रुपया रिश्वत प्रयागराज वाराणसी प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 22,000-20,000 रिश्वत मांगी जा रही है शवों को जलाने के लिए। लकड़ियां कम पड़ रही हैं, शव पूरे भी नहीं जल पा रहे हैं और लकड़ियों खरीदने के लिए मोटा पैसा मांगा जा रहा है। ये अभी वीडियो वायरल हो गई है। अब मैं वैक्सीन पे आती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की हाई लेवल मीटिंग में वैक्सीन पे बात आई। वैक्सीन पे पहले फैसला हुआ था कि 150 रुपया प्रति वैक्सीन केंद्र सरकार को मिलेगा, 400 रुपया प्रति वैक्सीन राज्य सरकारों को मिलेगा और 600 रुपया प्रति वैक्सीन निजी अस्पतालों को मिलेगा। सबने कहा वन नेशन वन प्राइस होना चाहिए, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि केंद्र के लिए इतनी, राज्य के लिए इतनी और नहीं? तो अब केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हमने राज्य और केंद्र के लिए सरकार के लिए एक प्राइस कर दिया है। आपको इसलिए कह रही हूँ कि वैक्सीन आपको लगवानी है, आपसे नजायज वसूला ना जाए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइस है क्या। क्या 400 की वैक्सीन का 4,000 तो नहीं लिया जा रहा आपसे? आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए दे रही जो फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इस केंद्र सरकार को 150 मिलेगा, तो हमें लगा अब राज्य के लिए भी 150 हो जाएगा जो 400 था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दोनों के लिए 400 रुपया हो चुका है, तो फायदा लोगों का नहीं हुआ क्योंकि कीमत कम नहीं हुई, फायदा केंद्र का भी नहीं हुआ 150 का, उन्होंने अपने लिए भी 400 का कर दिया, राज्यों को भी कोई फायदा नहीं क्योंकि 400 का 400 रहा, कंपनियों का थोड़ा फायदा हो सकता है। और निजी में जो लगवाने जाएंगे, 600 रुपये का एक इंजेक्शन है, 2 डोज आपको लगवानी है, कुल मिलाकर आपको खर्च करना होगा 1,200 रुपये। राज्य सरकार में कांग्रेस शासित राज्य है, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, जहाँ हमारी मात्र 3, पूरे देश में मात्र 3 में कांग्रेस की खुद की अपने दम पर सरकार है, अपने मुख्यमंत्री है, फैसला कर चुके हैं 18 से 45 साल के लोगों को पूरी तरह वैक्सीन मुफ्त मिलेगा। मैं अलका लांबा आपसे कह रही हूँ, अगर राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में आपको वैक्सीन के लिए 1 रुपया भी देना पड़े, आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको वैक्सीन के लिए पैसे देने पड़े। निजी में जाएंगे 1200 लेना पड़े, देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के पास, सॉरी राज्य सरकार कांग्रेस की जाएंगे तो आपको जो 400 कीमत सरकार को देनी है वैक्सीन कंपनियों को, लेकिन आपके लिए मुफ्त है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अभी तक वैक्सीन को लेकर कोई घोषणा नहीं की है कि मुफ्त होगा, 400 का होगा या क्या होगा। हम निवेदन करते हैं जिन सरकारों ने घोषणा नहीं की है वो इसकी घोषणा जल्द से जल्द करें। आज केंद्र सरकार ने टेंडर जारी किया है कि 3 बड़े भव्य मोदी जी सचिवालय जहां मंत्री बैठेंगे उसका टेंडर जारी किया है। हम ये पूछना चाहते हैं प्राथमिकता क्या है इस समय पर? टेंडर 3 बड़े भव्य सचिवालयों के लिए खुलना चाहिए था या टेंडर खुलना चाहिए था कि देश में अगले 1 साल में 1,000 अस्पताल बनाने होंगे, 1 साल में 1,000 अस्पताल एम्स जितने देश में बनाने होंगे, वॉर लेवल पे बनाने होंगे, उसके लिए टेंडर खुलता तो शायद और आपको हमें तसल्ली होती जो पिछले 1 साल में नहीं हुआ। लेकिन अभी भी राहुल गांधी जी ने निवेदन किया है प्राथमिकताएं तय करिए प्रधानमंत्री जी कि आपकी प्राथमिकताएं हैं। विदिशा मध्य प्रदेश की, नहीं देखा वीडियो वायरल हो रहा है, शर्मसार करते हैं, एक ही एम्बुलेंस में शव वाहन में ठूस दिया अपना जो है कोविड से जो लोगों ने जान दी है, और जब वो गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर निकल के मोड़ काटती है तो शव बाहर आकर गिर जाते हैं, ठूसा जा रहा है शवों को, मरने के बावजूद बाद भी इज्जत नहीं है शवों को, अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में। आपकी आवाज़।